फाल्कन मुर्मू चोरी किया है, भ्रष्टाचारी किया है तो बताओ, फाल्कन मुर्मू गलती किया है तो बताओ। हाँ, हम एक चीज किए, बहुत बार पार्टी बदले लेकिन मुद्दा नहीं बदले। ये दोनों का फोटो देख के मत अचंभित हो जाओ कि हम बीजेपी में आ गए। हमको सरना धर्म कोड चाहिए, ईमानदारी से निर्भीकता के साथ कहना चाहता हूं कि झारखंड यदि आज बर्बादी के कगार पर खड़ा है तो इसके लिए दीकू लोग दोषीदार नहीं है, हम आदिवासी दोषीदार हैं। हमने झारखंड को लूटने मिटने के लिए फेंक दिया और हमारा ही लोग तो मुख्यमंत्री बन रहा है, हमारा ही लोग सबसे ज्यादा एमएलए मंत्री बन रहा है, हमारा ही लोग मुखिया प्रमुख और जिला परिषद चेयरमैन भी बन रहा है, हमारा ही आबादी सबसे ज्यादा है। यदि धनबाद, बोकारो, रांची, जमशेदपुर का आबादी को हम फ्रीज कर दें, माने आबादी के अनुपात को जोड़ घटाव करने के समय इस चार शहरों की आबादी को हम माइनस कर दें, क्योंकि यहाँ बाहरी आबादी ज्यादा है नौकरी पेशा बिजनेस व्यापार के लिए, तो बाकी टोटल आबादी का जब हम अनुपात निकालेंगे तो आदिवासी अभी भी 60% के करीब है, आपको जानना चाहिए। और दूसरी चीज जानना चाहिए कि 81 विधानसभा सीट है झारखंड असेंबली में, और ये चार शहरों में मुश्किल से 10 विधानसभा होगा, तो 71 सीट जहां हम आदिवासी 50-60% है वहां पर है। सब आदिवासी अपना वोट को हानिया दारू चखना रुपया में नहीं बेचेगा तो हम 71 सीट जीत सकते हैं। तो मैं संक्षेप में आपको बताना चाहता हूं, झारखंड में हम आदिवासी अभी भी मालिक बन सकते हैं, क्योंकि अभी भी हमारी आबादी ज्यादा है, अभी भी आदिवासी का रिजर्व सीट ज्यादा है, इसीलिए आदिवासी बार बार मुख्यमंत्री बनता है। एक बार ये रघुवर दास बना गैर आदिवासी, लेकिन उसके लिए भी हम आदिवासी दोषी हैं। वो कैसे मैं बता रहा हूं, 3 नवंबर 2016 को रघुवर दास ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल के चेयरमैन बन के सीएनपीएसपी कानून में संशोधन कराया, और रघुवर दास को छोड़ के बाकी 19 लोग आदिवासी थे, 15 आदिवासी एमएलए था सब पार्टी का, तो 19 आदिवासी एक गैर आदिवासी के सामने सरेंडर कर देता है और बिरसा मुंडा सिद्धू मुर्मू को बेच देता है। तो एक आदमी 19 आदिवासी के सामने कैसे जीत जाता है, इसलिए कि 19 बेईमान लोग पीएसी में बैठता है। और अभी भी जितना आदिवासी मुख्यमंत्री बना है, शिबू सोरेन, हेमंत सोरेन बाप बेटा तो 5 बार बना है, लेकिन आदिवासी का आशा भाषा जाति धर्म इज्जत आबादी रोजगार समुदाय इसका बात नहीं करता है, कर नहीं सकता। तो हम ये कहना चाहते हैं, चलो आदिवासी जागो, समझो, नहीं तो मरते रहोगे, मर चुके हो। और अभी मैं और एक बात इस विषय पर कहना चाहता हूं, अभी तो जेएनएम की सरकार है, कांग्रेस है, लालू पार्टी है, अभी ये नीतीश कुमार की भी पार्टी यूपीए में आ गई है एक प्रकार से। तो लालू पार्टी ने क्या बोला था, मेरी लाश पर झारखंड बनेगा, तो जिसकी लाश पर झारखंड बनना है वो भी जेएमएम पार्टी के साथ है। और ये जितने लोग यहाँ बैठे हैं इनका कोई आदिवासी एजेंडा नहीं है, इनका एजेंडा लूटने मारने बेचने का है। तो मान लीजिए यूपीए जेएमएम कांग्रेस राजद है, अब दूसरे तरफ बीजेपी है, ये बीजेपी भी सांपनाथ तो नागनाथ की तरह है, इसका भी कोई आदिवासी एजेंडा नहीं है। मान लिया अभी 6 महीने के बाद झारखंड में चुनाव हो जाए तो फिर से जेएमएम चुनाव जीतेगा, भले जेएमएम जितना भी भ्रष्टाचार का आरोपी हो, आय से ज्यादा आमदनी का आरोपी हो, लेकिन वोट होगा तो जेएमएम ही चुनाव जीतेगा, बीजेपी नहीं जीतेगा। बीजेपी आज उधर हरमू मैदान में बहुत बड़ी सभा कर रहा है, करोड़ों रुपया का मंच बनाया है, हम लोग का सब चीज मिला के खर्चा 20,000 है, 20,000 में पानी में हम लोग बैठे हैं, तो उन लोग करोड़ों खर्च कर सकता है बीजेपी,
चुनाव नहीं जीत सकता है। क्यों? क्योंकि बीजेपी के पास डोमिसाइल, आरक्षण और रोजगार नियोजन का एजेंडा नहीं है, सरना धर्म का एजेंडा नहीं है, संथाली भाषा का एजेंडा नहीं है, सी एंट्री एसपीडी कानून बचाने का एजेंडा नहीं है। क्या एजेंडा है बीजेपी का? विकास। अब विकास माने आदिवासी का विनाश, कारखाना खदान डैम बनाओ, आदिवासी को विस्थापित करो, यही एजेंडा है इसका। तो हम कहना ये चाहते हैं कि चलिए हम आदिवासी को इस शहीदों के सपने को यहाँ फिर से पुनर्जीवित करना है, ये संभव है, हम लोग इसको करके दिखा सकते हैं और ये बिल्कुल होगा। और इसलिए मैं आज इस मंच से एक दो बात कहना ये चाहता हूँ कि अमेरिका में 300 साल तक काले निग्रो लोग गुलाम की तरह थे, वो वोट नहीं दे सकते थे, होटल में खाना नहीं खा सकते थे, स्कूल कॉलेज में नहीं पढ़ सकते थे, बस में नहीं बैठ सकते थे, वो गुलाम थे। लेकिन उन्हीं लोगों के में से एक आदमी जिसका नाम डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग, उसने कहा अरे काले लोग जागो, जुड़ो, आओ, मेरे पास तुम्हारे लिए एक सपना है। और वो सपना उन्होंने 28 अगस्त 1963 को अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन में सब काला लोगों को बोला, तुम लोग जैसे हम बोल रहे हैं रांची चलो 22 दिसंबर 2022 को। डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग ने कहा चलो वाशिंगटन अमेरिका की राजधानी 28 अगस्त 1963 को। करीब 2 लाख से ज्यादा काले लोग गए ये सोच के अरे ये आदमी क्या सपना दिखाएगा, हम लोग को बोलता है कि तुम लोग भी इंसान हो, गोरा का खून भी लाल है, काला का खून भी लाल है और अमेरिका का संविधान भी तुम्हारे लिए भी है। तो 2 लाख से ज्यादा लोग अमेरिका उस जगह पर जमा हुए, पहली बार इतनी बड़ी संख्या में लोग जमा हुए और डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग ने इतना ही कहा, तुम लोग जागो, समझो कि तुम भी इंसान हो, गोरा आदमी को जितना हक है, अधिकार है, न्याय है, तुमको भी मिलेगा, तुम केवल एकजुट हो जाओ, मेरी बातों को सुनो, समझो और चलो। मैं यही बात आपसे कहना चाहता हूँ, चलो झारखंड और बृहद झारखंड और पूरे भारत के आदिवासी हमको एक होना है। भारत का संविधान हमारे लिए भी है लेकिन हमारी समस्या है हम किसी को नेता नहीं मानते। हम तो सुशील उराव को थोड़ा धन्यवाद देंगे, उन्होंने कम से कम बोला कि सालखंड जी को माना जाए, तो अभी तुम लोग मानो या मत मानो नेता लोग, हम नेता हैं और हमने बहुत कुछ करके दिखाया है, झारखंड को भी हम बचाएंगे। और इसके लिए हम कल ही यहाँ करीब 10 आदिवासी लड़का लोग, जो लोग पीएचडी कर रहा है या पीजी में है या पीजी कोर्स पूरा कर लिया है, ये दिनेश कुमार मुंडा जी, किधर हो जी दिनेश मुंडा, आ जाओ थोड़ा मंच पे, इसको थोड़ा आप लोग ताली मार के स्वागत करें। ये दिनेश कुमार मुंडा हमसे फोन में बोला जब हम टाटा से रांची आ रहे थे कल, पर हम लोग को आपसे बात करना है, बहुत जरूरी बात है। तो हमने बोला भाई क्या बात है, नहीं पूर्वी लोग आदिवासी बन जाएगा तो क्या होगा, 1932 सत्याग्रह का क्या होगा, रोजगार का क्या होगा, सरना धर्म कोड का क्या होगा। तो हम बोला अच्छा ठीक है, हम कल वहाँ सरना धर्म कोड का धरना प्रदर्शन के लिए तैयारी के वास्ते जाएंगे, टेंट हाउस आदि और राजभवन के सामने मिलना मिले, फिर हम लोग यहाँ आए। फिर बात तय हुई कि रामदयाल मुंडा का जो उद्यान है, पार्क है, वहाँ 3 बजे हम लोग 3:30 बजे बैठेंगे। हम लोग बैठे 6 बजे तक, बहुत अच्छा फैसला हुआ। उसमें एक फैसला ये हम लोगों ने लिया है कि 27 अक्टूबर को हम बुलाएंगे सब झारखंड में जितना बुद्धिजीवी है, राजनीतिक नेता है, सामाजिक नेता है, स्टूडेंट नेता है, हमारा टाइटल क्या है कि आदिवासी बचाओ,
विचार क्रांति सम्मेलन, और उस विचार क्रांति सम्मेलन में हम कुछ विचार रखेंगे कि झारखंड को बचाने के लिए 1, 2, 3, 4, 5 ये मंत्र, ये नीति सूत्र हो सकता है। इससे बेहतर किसी के पास है वो भी लाओ सामने, और हम लोग तुलनात्मक रूप से उस पर विचार करेंगे। भाषणबाजी नहीं, झारखंड कैसे बचेगा, झारखंड कैसे बनेगा, आदिवासी कैसे मालिक बनेगा, इसका आप ब्लूप्रिंट लेकर आए, जिसके पास होगा लाएगा और हम लोग विचार करेंगे। और जितना भी आदमी है, 10 है 20 है हम करेंगे, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है, मैं बहुत दिन से कोशिश कर रहा हूँ, अरे आदिवासी के सामने इतना बड़ा खतरा का पहाड़ खड़ा है, तो उस पहाड़ को आदिवासी को ही ना लांघना होगा, समाधान निकालना होगा। तो एक आदमी से बेहतर होता है ज्यादा आदमी, तो ज्यादा बैठेगा तब ना बात होगा, कोई बैठना ही नहीं चाहता। तो अभी हमने तय किया है कि हम अकेले ही सही, आदिवासी संयल अभियान का हमारा सेना है, जैसे धर्म के लिए लड़ रहा है, झारखंड के लिए भी लड़ेगा, और हम दुनिया का भी मदद लेंगे। तो 27 अक्टूबर को किसी न किसी बड़े हॉल में हम उसको आज ही फैसला करेंगे। आपको सोशल मीडिया और खबर कागज के माध्यम से बताया जाएगा कि आदिवासी बचाओ विचार क्रांति सम्मेलन, माने अभी जैसे जन क्रांति हमने आपको बोला, सिद्धू मुर्मू का हुल माने क्रांति, बिरसा मुंडा का उलगुलान माने क्रांति, तो ये सब क्रांति तीर तलवार से हुआ था। अभी क्रांति तीर तलवार से नहीं होगा, अभी क्रांति बुद्धि से होगा, आइडिया से होगा। अंग्रेजी में कहावत है, एन आइडिया कैन चेंज योर लाइफ, सिमिलरली एन आइडिया कैन चेंज द लाइफ ऑफ आदिवासी सोसाइटी। तो आइडिया कहाँ है, मुझे तो ऐसा लगता है संगठन बहुत है, एमएलए एमपी भी बहुत है, पार्टी भी बहुत है, बुद्धिजीवी भी बहुत है, लेकिन आइडिया शायद नहीं है, खाली लेक्चर मारता है, सब लोग खाली समस्या बताता है, समाधान कोई नहीं बताता। तो हमारा कहना है पालखन मुर्मू के पास सब समाधान है, ये दवा हम नहीं करते, लेकिन आओगे बताओगे बात करोगे तभी ना कि ठीक होगा, लेकिन कोई कुछ नहीं बताओगे तो पालखन मुर्मू को जितना समझ में आएगा उतना तो बताएगा ना, और गलत करेगा तो वो भी बताओ, वो भी नहीं बताता है। लेकिन हाँ, ईसाई भाई लोगों को पालखन मुर्मू से बहुत चिढ़ रहता है, और कुछ कुछ जेएमएम पार्टी का जितना नेता और समर्थक है उन लोग को भी बहुत चिढ़ रहता है। तो हमारा इतना ही कहना है, पालखन मुर्मू चोरी किया है, भ्रष्टाचारी किया है तो बताओ, पालखन मुर्मू गलती किया है तो बताओ। हाँ, हम एक चीज किए, बहुत बार पार्टी बदले, लेकिन मुद्दा नहीं बदले। पार्टी बदलना कोई बात नहीं है, पार्टी तो सीढ़ी होता है जी, आज बीजेपी का सीढ़ी है, कल कांग्रेस का सीढ़ी है, जेएमएम का सीढ़ी है, सीढ़ी को ही कुछ लोग फल समझ बैठते हैं। अरे सीढ़ी तो फल तोड़ने का एक साधन है। तो पार्टी जो है सब आदिवासी विरोधी पार्टी है, कोई आदिवासी समर्थक पार्टी नहीं है, जेएमएम भी नहीं है, अच्छू भी नहीं है, ये बात लक्ष्मी नारायण मुंडा सही कहा है, क्योंकि इन लोग सीएनटी एफडी आंदोलन के समय भी, डोमिसाइल आंदोलन के समय भी, डोमिसाइल आंदोलन हम लोगों ने शुरू किया था, हमारे साथ बंधु तिर्की चमरा लिंडा लक्ष्मी नारायण मुंडा भी था, आदिवासी ये छात्र संघ था, ज्ञानमणि एका और बहुत सारे लोग थे, लेकिन तब भी हम आगे थे, हम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, बीजेपी से थे, और यहाँ बीजेपी की सरकार थी, उसके खिलाफ हम आंदोलन करते थे, जेल जाते थे, बंदी का घोषणा करते थे, आग लगाते थे। तो पार्टी से मेरे को लेना देना नहीं है, ये दोनों का फोटो देख के मत अचंभित हो जाओ कि हम बीजेपी में आ गए, हमको सरना धर्म कोर्ट चाहिए, क्योंकि शिबू सोरेन तो सरना धर्म नहीं दे सकता है ना, वो तो प्रधानमंत्री नहीं बन सकता है, और वो तो कुर्मी को आदिवासी बना रहा है, बाप बेटा मिल के साइन कर रहा है। तो मेरा कहने का मतलब आप लोगों से, तीसरी बात,
कि चलो हम लोग एक सपना देखते हैं, डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग ने जैसे सपना दिखाया था, हमको भी जीवित होना है, हमको भी जीतना है। और साथ में हम ये कहेंगे, सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, तुम हमको खून दो हम तुमको आजादी देंगे। तो मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, तुम हमको साथ दो हम तुमको आजादी देंगे। हम खून नहीं मांगते हैं, केवल साथ दो। यदि हम सही हैं, गलत है तो तुम हमको क्वेश्चन भी करो, तो हम लोग जीतेंगे। और नहीं तो अभी हार चुके हैं, इसलिए जीत की दिशा में हमको आगे बढ़ना चाहिए।